नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक बारे बात करेंगे जिसका नाम है बॉक लैंडिंग। बॉक लैंडिंग होता क्या है, कैसा वीडियो, उसमें देखेंगे कि कैसे होता है बॉक लैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। एनेक्स 14 में इसका डेफिनेशन क्या है। ए लैंडिंग मैन्यूवर दैट इज अनएक्सपेक्टेडली डिसकंटिन्यूड एट एनी पॉइंट बिलो दी ऑब्स्टिकल क्लियरेंस एल्टीट्यूड और हाइट। जैसे आपका कोई एरोड्रोम है, ये सपोज करिए एरोड्रोम है। इस एरोड्रोम के लिए एक ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस बनाया जाता है। तो ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस का एक पर्टिकुलर एक हाइट होता है। अगर उस हाइट के नीचे कोई भी लैंडिंग अबॉर्ट होती है, यानी डिसकंटिन्यू करते हैं किसी भी रीजन से, चाहे कोई टेक्निकल हो या प्रॉपर जगह पे टच डाउन नहीं हो पाया हो, या किसी भी रीजन से अगर उस लैंडिंग को अबॉर्ट करते हैं, तो उस लैंडिंग को हम लोग बॉक लैंडिंग कहते हैं। सपोज करिए जैसे आपका ये रनवे है, यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है अप्रोच इस डायरेक्शन में कर रहा है, आते आते ये जो ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस है उसको पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेट करने के बाद इस पॉइंट, ये आपका टच डाउन जोन मान लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ से कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे टच नहीं कर पाया, इसको लग रहा है कि यहाँ टच करेगा, यहाँ टच करके भी वो टेक ऑफ अगर हो जाता है, या टच भी नहीं करने के बावजूद भी यहाँ से टेक ऑफ हो जाता है, तो इस प्रोसीजर को हम लोग बॉक लैंडिंग कहते हैं। जनरली अगर पायलट कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो कंप्लीट लैंडिंग कर पाएगा, या फिर उसके लिए रनवे के लिए लेंथ जो है वो छोटा पड़ गया है, या कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं किसी भी रीजन से, अगर इस टाइप के प्रोसीजर वो फॉलो करता है तो उसे हम लोग बॉक लैंडिंग कहते हैं। चलिए वीडियो में देखते हैं, वीडियो के हिसाब से क्या होता है, कैसा वो बॉक लैंडिंग। यहाँ पे ये टच किया और उसके बाद चला गया बॉक लैंडिंग। इस प्रोसीजर को हम लोग बॉक लैंडिंग कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।